बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। नालंदा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना सिलाव थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा टोला का है। घटना के संबंध में मृतक के चाचा का आरोप है कि गया जिले के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र के बथानी गांव निवासी प्रेमचंद चौरासिया के 16 वर्षीय पुत्र गौरव कुमार नालंदा जिले के राजगीर थाना स्थित पचरूखी कुआं अल्फाज कंप्यूटर कोचिंग में हर रोज बाइक या बस से पढ़ने जाता था। 22 मार्च की सुबह गया घर से कोचिंग के लिए निकला और फिर उसके बाद वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजन ढूंढने निकले। जब कुछ पता नहीं चला तो राजगीर थाना में शिकायत दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बताया कि मृतक युवक के मोबाइल से उसका दोस्त घर पर फोन कर 10 लाख रुपये फिरौती की मांग किया था, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी भी दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया। साथ ही तकनीकी अनुसंधान में मृतक गौरव को उसके परिवार के सदस्य जो जिले के होदागंज थाना क्षेत्र बौरी गांव निवासी रुपेश चौरासिया का पुत्र शुभम पार्टी करने के बहाने रूम पर बुलाया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। युवक को पहले गला दबाकर हत्या किया, फिर बेरहमी से पीटा, हाथ पैर तोड़कर रस्सी बांधकर उसकी आँख को फोड़कर फेंक दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। रिश्तेदार में ही किसी से मृतक का प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी कारण युवक की हत्या हुई है। वहीं घटना के संबंध में राजगीर थाना अध्यक्ष चंद्र भानु ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग में हत्या की गई है, आरोपी मृतक के रिश्तेदार ही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इनको प्रेम प्रसंग के चलते बौरी के ही लड़के जो हैं उनको पकड़ करके बुलाया गया है सिलाव में, बोला कि चलो पार्टी देते हैं। उसके दौरान रूम में गया है, इसको 5-6 लड़के मिल करके निर्मम रूप से हत्या की गई है। इनका हाथ तोड़ दिया गया है, रस्सी से बांध के पीछे हाथ बांध करके खूब मारा पिटा गया है, रड से मारा गया है, यहाँ तक कि उसका जीभ निकला हुआ है रेड दबने के कारण और आँख भी एक फूटा हुआ है। तो क्या लगता है कि मतलब वो लड़की जो उनके रिश्तेदारी में पड़ता था, क्या लड़का का? हाँ, तो मतलब ये कैब कब हुआ था, कहाँ से हुआ था? ये 22 तारीख को करीब घर से 7 बजे सुबह निकले हैं कोचिंग के लिए और उसके बाद लौट के ही नहीं आए अभी तक। और हमको कल रात को पता चला कि डेड बॉडी आया है, इसको शनाख्त कर लिया जाए। क्या नाम है आपका? श्रीकांत कुमार सर। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।